चलिए आज हम आपको सिखाते हैं विंडोज 10 कैसे डालते हैं। UEFI मोड यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, UEFI मोड और लेगेसी भी मिलती है। आप जिस मोड में विंडो डालना चाहें उसमें डाल सकते हैं। जाएंगे बायोस में, वहाँ पे बूट मेनू में मिलता है बूट मोड सेलेक्ट। यहाँ पे आपको दो तरह के मिलेंगे, लेगेसी और UEFI, जिसमें आपने बनाए हो उसके बेस पे आप कुछ भी कर सकते हैं। सेलेक्ट कीजिए, सेव कीजिए, अब यहाँ पे देखेंगे UEFI मोड में ये अपनी पेन ड्राइव शो हो रही है, किंगस्टन डेटा ड्राइवर, इसको एंटर मारेंगे क्योंकि मैं USB के थ्रू पेन ड्राइव बूटेबल बनाई थी विंडो 10, तो आपको सिखा रहे हैं हम पेन ड्राइव के थ्रू विंडो डालना। अरे उसके पास ही पड़ा रविंदर के। यहाँ पे आप लैंग्वेज सेट कर सकते हो, करेंसी वगैरह, हम चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाद में चेंज हो जाएगा, लेकिन हम पहले ही कर लेंगे सेट। हमारे पास प्रोडक्ट की नहीं है, तो पहले ये करेंगे, बाद में डाल लेंगे वर्क स्टेशन। हम डालेंगे आज वर्क स्टेशन, यहाँ पे हम सारी डिलीट कर देंगे। ये आप अपना स्पेस बना लीजिए, फिर नेक्स्ट कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक विंडो डलने लग जाएगी। आप देख रहे हैं हमारी विंडो इंस्टॉल हो चुकी है, अभी रीस्टार्ट होगा, उसके बाद विंडो 10 की प्रोसेसिंग चलेगी जो लगभग 5 मिनट लेगी। सेकेंड टाइम बूटिंग पे हम जो पेन ड्राइव या सीडी डीवीडी जो भी लगाते हैं उनको निकाल देते हैं। मोस्टली सेकेंड टाइम ये रिस्टार्ट होता है फॉर अदर फीचर्स वगैरह, अपनी फाइल्स डेवलप करने के लिए। उसके बाद आप देखेंगे जस्ट अ मोमेंट पे सिस्टम आएगा, दो एक बार एक दो बार रिस्टार्ट होने के बाद। फिर आप उसके बाद करेंगे इंडिया सिलेक्शन, आप जिस भी रीजन से हो, लैंग्वेज, सेकंड कीबोर्ड इफ यू नीडेड, अदरवाइज स्किप। और आने वाले जैसे जैसे ऑप्शंस पूछता जाएगा आप करते जाएं।
सुपर माइक्रो सर्वर X9DAI। आप देख रहे हैं लेट्स कनेक्ट टू योर नेटवर्क। अगर आपके पास नेटवर्क कनेक्शन के हैं तो आप इधर से कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मैन्युअली दोबारा करें आगे जाके, तो उसके लिए आप आई डोंट हैव इंटरनेट अभी के लिए आप ये क्लिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद देर इज़ मोर टू डिस्कवर व्हेन यू कनेक्ट टू द इंटरनेट, अगर जो फीचर्स हैं उनके लिए भी होता है। अगर आप चाहें तो कनेक्ट नाउ तो वो नेट के लिए पूछेगा, या तो अदरवाइज लिमिटेड सेटअप के साथ आप करें। मैं प्रेफर करूंगा कि आप कंटिन्यू विद द, फिर आप अपना यूज़र का नेम डाल दिए, जैसे कि मेरा यूज़र ये है। आप चाहें तो पासवर्ड दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिए। फिर ये कुछ फीचर्स हैं, आप चाहें तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो। मैं तो नो प्रेफर करता हूँ। और ये डिजिटल असिस्टेंट, ये भी आप चाहें तो डिक्लाइन कर सकते हैं। ये कुछ फीचर्स हैं जैसे ऑनलाइन स्पीच रिकॉग्निशन, लोकेशन, फुल टेलर, आप जो भी चाहें या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं और अदरवाइज नो, ये आपके चॉइस के पर है। मैं फीचर्स मेरे काम नहीं आएंगे इसलिए मैं नहीं करता। फिर आप लास्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। मोस्टली आपका विंडो रेडी है, एक दो बार रेडी होगी विंडो। दिस रुक जाएगा।